हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है स्वामिता और मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको अपने करियर चॉइस को लेकर डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में कई सारे कोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले MBBS जिसके लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे है BDS, BHMS, BAMS और BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एंड GNM। तो आज मेरा मेन फोकस BSc नर्सिंग पे रहेगा। मैं आपको ऐसे कुछ रीजंस बताऊंगी कि आपको BSc नर्सिंग क्यों करनी चाहिए। देखिए, आज के ज़माने में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, या डॉक्टर्स की संख्या तो कम है ही, लेकिन उसके साथ साथ नर्सेज की संख्या भी बहुत कम है और आने वाले फ्यूचर में नर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ये कोर्स कर लें, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो लोगों के दुख दर्द और उनके साथ सिंपथी और एम्पथी जैसी फीलिंग्स होना आपके अंदर बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। देखिए, नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो कि 4 साल का है और आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अनएम्प्लॉयड रह जाएं। जॉब की गारंटी इसमें 100% है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। हालांकि प्राइवेट जॉब्स में थोड़ी सैलरी कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी अगर आप मन लगा कर करेंगे तो सैलरी का अमाउंट काफ़ी अच्छा है। तीसरे पॉइंट पर जान लीजिए कि इसमें फ्यूचर स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सिंग के कोर्स को ज्वाइन करके सिर्फ बेड साइड पेशेंट्स को सर्व करें, आप फ्यूचर में फॉरेन भी जा सकते हैं और वहाँ की फ़ीस और सैलरी बहुत ही बढ़िया है। मतलब 5 लाख पर मंथ लोग आजकल के ज़माने में वहाँ पर अर्न कर रहे हैं। उसके अलावा आप रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और टीचिंग में भी जा सकते हैं। रिसर्च में आप मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी हैं जहां पर आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को ट्राई कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि आप फ्यूचर में अपना नर्सिंग होम खोल सकते हैं और उसमें डॉक्टर्स को अपॉइंट करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत कम है, इसीलिए जहाँ तक पॉसिबल है आप अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को पहुँचाएँ। WHO के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि नर्स टू पेशेंट रेशियो 1:1 होना चाहिए, लेकिन आजकल की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ये उससे काफ़ी दूर है। तो आगे एक बहुत ही सीरियस पॉइंट है, तो हमारे कई सारे जो यूथ हैं वो अपने काफ़ी साल नीट की तैयारी में निकाल देते हैं। लेकिन आप लोग होपलेस ना हो, अगर आप नीट नहीं निकाल पा रहे हैं किसी ना किसी कारण से, तो आप इस फील्ड को एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये भी फील्ड पेशेंट्स को क्योर करने में होता है और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स का काम है वही नर्सेज भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत पैशनेट हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो आपको ऑब्वियसली वही ट्राई करना चाहिए। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी जॉब का जो उसका डिग्निटी है वो उसके वर्कर्स और इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना अपस्टैंड करते हैं। इसीलिए कोई भी काम छोटा नहीं है और नर्सिंग तो फ्यूचर में आने वाली सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड जॉब रहने वाली है।